हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे हो गए। कई लोगों ने नीचे कमेंट किया कि सर हमें कुछ गाइडेंस करिए, गाइडेंस रिलेटेड किससे रिलेटेड पूछा उन्होंने। उन्होंने पूछा कि फ्रेंड्स डिस्टेंस बिटवीन ऑटोकैड एंड रेविट आर्किटेक्चर, बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं डिफरेंस क्या है रेविट आर्किटेक्चर और ऑटोकैड में, और विच वन इज़ बेटर। क्योंकि बाहर लोग कोर्सेज करते हैं तो कोर्सेज बहुत कॉस्टली होते हैं, तो वो सोच समझ के करना चाहते हैं कि हम रेविट करें कि ऑटोकैड करें। तो यार देखो, ये डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हो। क्योंकि रैबिट जो सॉफ्टवेयर है ना, ये BIM का सॉफ्टवेयर, किसका सॉफ्टवेयर है? BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। आपको बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में करियर बनाना है, उसमें करियर बनाना है, तो ऑफकोर्स रैबिट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। एंड ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड के लगभग मेरे सारे टॉपिक्स के ट्यूटोरियल हैं, तो ऑटोकैड को एक बार आप देख लीजिए कि आपको ऑटोकैड कैसा लगता है। ऑटोकैड बेसिकली ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है। अभी 3D मॉडलिंग भी होने लगी, मीन्स ऑटोकैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, इसमें 3D मॉडलिंग भी होने लगी। बट अगर मैं 3D की बात करूँ तो 3D जो रेविट का क्वालिटी है वो ऑटोकैड की क्वालिटी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और भी 3D सॉफ्टवेयर है, बट आई थिंक फॉर सिविल इंजीनियर्स रेविट आर्किटेक्चर इज़ ओके। एंड बिकॉज लाइक हमें क्यों रेविट आर्किटेक्चर को ही प्रमोट कर रहा हूँ, लाइक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रेविट आर्किटेक्चर जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम प्रॉपर एस्टिमेशन निकाल के दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रॉपर एस्टिमेशन निकाल के दे सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर रैबिट का पूरा डोमेन पढ़ा जाए तो उसमें रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट MEP, रैबिट स्ट्रक्चर, तीनों के तीनों कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब आप बोलोगे रैबिट MEP क्या है? MEP मीन्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग्स, मीन्स उसमें सारे के सारे प्लम्बिंग्स कर सकते हैं हम लोग इसलिए, ठीक है। तो मतलब पूरा का पूरा BIM का सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग 3D का पूरा काम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर तब तो हमें रैबिट ही करना चाहिए। हाँ दोस्तों, रैबिट ही करना चाहिए, बट उससे पहले आपको बेसिक ऑटोकैड आना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट आपको प्लान ड्रॉ करना आना चाहिए। क्योंकि सारी कंपनियां ऑटोकैड में प्लान तो जरूर ड्रॉ करवाती है। प्लान और डिटेलिंग सेक्शन एलिवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर। हाँ, सेक्शन एलिवेशन रैबिट में बड़ी इजिली ढंग से, लाइक उसमें एक कमांड है, जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे तो व्यू कमांड पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाती है रैबिट सेक्शन कमांड। तो मेरे कई वीडियोज़ में डिस्कस भी हुआ है उसके बारे में। तो इजिली हम लोग उसको सेक्शन को कट करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक इजिली हम लोग सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है ऑटोकैड और रैबिट में? रैबिट 3D मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा है और ऑटोकैड 2D मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा क्या डिफरेंस है? ऑटोकैड का जो स्पीड है वो फास्ट होता है कम्पेयर टू रैबिट। रैबिट का क्या एडवांटेज है? रैबिट का एडवांटेज है कि रैबिट में आप प्रॉपर एस्टिमेशन निकाल सकते हो कितना हम लोग मटेरियल यूज़ किया है, ठीक है। अब दूसरा ऑटोकैड में क्या लाइक हम लोग के पास क्या एडवांटेज है? ऑटोकैड बहुत ही ईजी और नॉर्मल ढंग से बहुत जल्दी सीखा जा सकता सॉफ्टवेयर है। रैबिट के अंदर क्या है? रैबिट को भी इजीली सीखा जा सकता है, लेकिन रैबिट में कुछ कमांड्स हैं जिनको आपको प्रॉपर अच्छे ढंग से सीखना पड़ेगा, जैसे मैशिंग साइट, क्लोज टाइप बिल्डिंग्स, इन सब के कंपोनेंट्स डिजाइन, इन सब के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आप अच्छे से सीख सकते हो। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि रैबिट आर्किटेक्चर किस चीज़ का सॉफ्टवेयर और रैबिट ऑटोकैड किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है। अब इसके बाद मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, लाइक कई लोगों ने नीचे कमेंट किया कि सर मुझे EDAP सीखना है, सर मुझे स्टैट सीखना है। तो दोस्तों लाइक आप हमारी वेबसाइट unixsivil.com पे जाइए और वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद हम आपको प्रॉपर बात करेंगे आपसे, और आप पहले समझेंगे कि आप क्या सीखना चाहते हो और एग्जैक्टली आपको किस चीज़ की नीड है। हम उसी टॉपिक पर फोकस करके और आपको देंगे, और थोड़ा बहुत जो हमारे पास रेफरेंस होते हैं वो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग ऐसे ही कनेक्ट रहिए मेरे से, आपको बहुत सारे आगे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे थ्रू मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपने लाइक हमारे पेज को लोगों तक शेयर किया तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो हमें जो भी कॉन्फिडेंस आता है कि चलो और अच्छे से काम करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। दोस्तों अभी टेक्ला सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ था और रिसेंट में मैं थोड़ा जॉब में बिजी था, तो अभी जल्दी ही टेक्ला सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। टेक्ला सीरीज हमारा पूरा चलेगा और अपना लाइक ऑटोकैड रैबिट हो ही चुका है। और किसी सॉफ्टवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें आपको रैबिट और ऑटोकैड का डिफरेंस पता चला कि नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।